तो ये मुझे सिर्फ 250 रुपीज़ में मिला, सिर्फ 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ में आजकल मतलब आई कुछ नहीं है, इतना अच्छा पीस मिला मुझे 250 रुपीज़ में। बट अभी इसको मैंने पहना नहीं है, इसकी क्वालिटी चेक करूँगी तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी आइडिया आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर आपको कुछ भी क्वारीज है कि आपको अच्छा सामान मिलता है नहीं मिलता है, अब वो आप पे डिपेंड भी करता है कि आपको अगर फैब्रिक की अच्छी पहचान है तो आप अच्छी चीज़ें ले सकते हो, और अगर आपको नहीं है तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल हॉल, जो कि आपको पता है अगर मैं कोई ब्लॉग करती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ, तो मैं उसके वहाँ पर जो भी खरीदा है उसके साथ में वीडियो डालती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या परचेज़ किया, कितने प्राइस में परचेज़ किया। और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपने फर्स्ट, और इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसका जो भी शो स्टॉपर है मतलब बहुत ही क्यूट है वो, तो उसको मैं सबसे एंड में दिखाऊंगी आपको, तो वेट एंड वॉच। तो फर्स्ट चीज जो कि मैंने परचेज की है वो ये टॉप। तो ये टॉप है जस्ट 250 रुपीज़, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, बट हाँ सच में ये सिर्फ 250 रुपीज़ का है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे ये ईयर, तो ये इयरिंग्स आप सच में बिलीव नहीं करोगे, ये इयरिंग जस्ट 50 रुपीज़। वहाँ पे एक स्टॉल लगी थी जो मैंने आपको, अगर आपने ब्लॉग चेक नहीं किया है तो ब्लॉग चेक कर लीजिएगा, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि वो स्टॉल थी उस पर सारे इयरिंग जो भी जितने भी इयरिंग थे वो 50 रुपीज़ के थे। तो मैंने 3-4 पीसेस वहाँ से उठा लिए थे, मैं एक एक करके आपको वो पीसेस बताती हूँ। कुछ उसमें ट्रेडिशनल हैं, कुछ वेस्टर्न हैं और कुछ बहुत ही मतलब अमेजिंग है, मैं बता दूँगा आपको। फर्स्ट है ये ईयर ड्रॉप्स, नहीं सुंदर है ये, अगर आप पार्टी वियर ड्रेसेस के साथ पहनना चाहते हो तो उसके साथ भी पहन सकते हो, और अगर आप सूट के साथ इसको पहनना चाहते हो तो वो भी पहन सकते हो, कितनी सुंदर है। और ये मैंने सिर्फ 50 रुपये में कहा, 50 रुपीज़ और। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है ये ट्रेडिशनल झुमके, जो कि आप किसी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ पहन सकते हो, और ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको यही आपको 150-200 के अराउंड मिलेंगे। ऑनलाइन भी अगर आप चेक करते हो तो आपको 150 के मतलब से कम कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने ये जस्ट परचेज की है 50 रुपीज़ ऑनलाइन। तो नेक्स्ट ईयरिंग जो मैंने परचेज की हैं वो हैं ये आपको हाथी के दांत की तरह लग रहे होंगे, बट ये अगर मैं किसी भी आउटफिट के साथ इसको पेयर करूँगी तब दिखाऊँगी आपको कि ये कितने प्रीटी लगते हैं। तो ये आपके वेस्टर्न आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट है ये झुमके, ये थोड़े महंगे मिले मुझे पर ये बहुत ही प्यारे हैं। और एक्चुअली मेरी फ्रेंड की शादी है एक मई में, तो उसके लिए मैंने एक आउटफिट सोचा है, तो उसी के लिए मैंने ये। अगर आप कहीं भी मेले वगैरह में या फिर ऐसी मार्केट में जाते हो तो आप मतलब ऐसी ज्वेलरी चूज़ कीजिए जो आपके मतलब माइंड में हो कि हाँ मुझे इसके साथ ये पेयर करना है, क्योंकि ये वाले मतलब आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने चाहिए और यूज़ करने होते हैं। आप कुछ भी परचेज करते हो जैसे ईयरिंग्स, बैग्स, तो मतलब ये सोच के मत चलिए कि हाँ आज यूज़ कर लूँगी कल नहीं, बट आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें कि आप बहुत सारे आउटफिट के साथ उनको पहन सकें, ताकि मतलब अब हम वैसे लोग तो हैं नहीं कि हाँ एक बार यूज़ किया और फेंक दिया, तो हमें उसको बहुत सारे अलग अलग स्टाइल करना होता है और अलग अलग तरीके के, जैसे वेडिंग आपने अटेंड की तो आपको चेक करना होगा कि इसके साथ ये भी जा सकता है उसके साथ, मल्टीपर्पज़। तो हम पहाड़ी हैं तो हमें ऐसी जगह पे भी जाना पड़ता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि आप ये सोचते हो कि जितना कम सामान हो उतना ही अच्छा है। तो ऐसे चीज़ें परचेज़ कीजिए जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आउटफिट के साथ चल जाएँ, जैसे कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अगर आप परचेज, जैसे इस टाइप की ईयरिंग, तो ये ईयरिंग मैं अपने किसी भी सूट के साथ अच्छे से पहन सकती हूँ, कि अगर वो हैवी होगा तो भी ये बहुत सुंदर लगेंगे, अगर वो मतलब वो किसी भी कलर का होगा तो आप इस तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। तो मैंने ये एक स्क्रंची लिया है, तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 100-150 या ऑनलाइन स्टोर चेक करोगे तो आपको उससे कम कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये परचेज़ किया है जस्ट 50 उसने बोला था, मैंने 30 दिया था, तो ये मैंने जस्ट 30 रुपीज़ में परचेज़ किया है। बार्गेनिंग पावर, एक्चुअली मेरी बार्गेनिंग पावर पहले बहुत ज़ीरो थी, लेकिन जब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गई, तो उसका नाम है दीपिका, तो उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, तो मतलब अगर आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो तो अपने ऐसे फ्रेंड को लेके जाओ ताकि उससे आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले, आपका पैसा बचे। तो थैंक यू फॉर दिस, मतलब ये उसी की मेहनत का नतीजा है कि मुझे ये 50, नहीं तो मैं 20 रुपीज़ और एक्स्ट्रा नहीं खर्च कर देती,
जितना मुझे बोला जाता है कि हाँ इतने दो, तो मैं उतना ही दे देती थी. बट जब से मैंने उसके साथ शॉपिंग करनी स्टार्ट किया ना, मतलब व्हाट नेक्स्ट है ये. मतलब आज आप आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पेजेस पे ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं. तो ये मैंने परचेज किया है 30 रुपीज़ में. मतलब ये काफ़ी महंगे मिलते हैं ऐसे अगर आपने लेना है तो. एक तो मैंने वाइट कलर का लिया था और नहीं, ये 50 रुपीज़ के दो मिले थे. हाँ एक इस कलर का, अगर मैंने कहीं ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हो तो मैं उसके साथ इसे लगा सकती हूँ, तो वर्थ इट. तो नेक्स्ट नेक्स्ट है ये क्लचर मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार मतलब जब भी मैं किसी इंस्टाग्राम स्टोर पे देखती हूँ या फिर किसी के पास देखती हूँ तो मुझे मतलब ये होता है कि इसका कलर मतलब एक विंटेज लुक देता है ये काफ़ी, और बहुत ही प्रीटी लगता है. तो ये मैंने परचेज़ किया और इसी के साथ मैंने इस तरह के, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, मैंने चेक मतलब काफ़ी लोगों के पास देखे हैं इस तरह के. सॉरी इस तरह से तो नहीं लगता है. तो ये बहुत ही प्रीटी लगते हैं इस तरह के अगर आप परचेज़ करते हो. तो एक और मैंने लिया है और वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा इस तरह का. तो इस तरह की स्टेटमेंट ज्वेलरी होती है वो आपके पूरे लुक को एनहेंस करती है. मतलब अगर आप बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें पहन रहे हो, आपने बिल्कुल सिंपल सा टॉप पहना है, आपने एक जीन पहनी है सिंपल सी, तो उस लुक को बहुत ही अच्छा क्रिएट करने के लिए आप ऐसी चीज़ें अपने कलेक्शन में रख सकते हो जिससे आपकी लुक बहुत अच्छी दिखेगी, आप स्टाइलिश दिखोगे. और ये जस्ट 40 रुपीज़ की है, तो आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादा महंगी मिल गई है. बट स्टेटमेंट थिंग्स अगर आपको चाहिए तो आपको पे तो करना पड़ेगा. एक नाइट सूट लिया है, इस तरह का प्रिंट है, ये इसका लोअर है और ये इसका अपर है. तो ये मुझे सिर्फ 250 रुपीज़ में मिला है, सिर्फ 250 रुपीज़ में. 250 रुपीज़ में आजकल मतलब आई थिंक कुछ भी नहीं है, इतना अच्छा पीस मिला है मुझे 250 रुपीज़ में. बट अभी इसको मैंने पहना नहीं है, इसकी क्वालिटी चेक करूँगी तो मैं वो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी. अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी आइडिया आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं कि आपको अच्छा सामान मिलता है नहीं मिलता है, अब वो आप पे डिपेंड भी करता है कि आप आपको अगर फैब्रिक की अच्छी पहचान है तो आप अच्छी चीज़ें ले सकते हो, और अगर आपको नहीं है तो. नेक्स्ट ये पर्स जो कि मेरा नहीं है, ये मेरी माँ ने परचेज़ किया है अपने लिए, तो ये थोड़ा महंगा है, मैंने इतनी महंगी चीज़ें नहीं ली हैं. बट मेरी माँ ने ये परचेज़ किया है 450 या आई थिंक 500 के अराउंड. तो पर ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका अंदर, मतलब चेन भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पॉकेट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 पॉकेट. तो नेक्स्ट है ये वेस्ट बेल्ट. तो ये आप अपने सूट के साथ, अपनी ड्रेस के साथ, आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रेस के साथ कैसे पेयर करेंगे, बट ये स्ट्रेचेबल है तो ये किसी भी साइज़ के पर्सन को आ जाएगी. और आप जो ऐसे इस तरह से इसको लगा के पहन सकते हो इस तरह से. ये किसी भी जैसे आपने देखा होगा काफ़ी, अब फिर से बोलोगे आपके इंस्टाग्राम स्टोर बट इंस्टाग्राम स्टोर पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो इंस्टाग्राम स्टोर की बातें क्यों ना करें. तो इस तरह की वेस्ट बेल्ट आपको आई थिंक 200-300 के अराउंड मिलेगी अगर आप कहीं से भी परचेज़ करोगे, बट ये मैंने ली है 100 बिकॉज ऑफ बार्गेनिंग. तो बार्गेनिंग की स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, अगर नहीं तो आपको जैसे मेरे को पहले होता था लॉस वही होता रहेगा. तो नेक्स्ट और लास्ट मेरा शो स्टॉपर, जो कि जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, वो मैं अब आपको दिखाऊँ. ये है मेरा शो स्टॉपर, बट ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मुझे इसे पहली नज़र में देख के ही मतलब ये हो गया कि मुझे तो ये चाहिए. और ये बहुत ही क्यूट है, मतलब शायद इसमें आएगा कुछ भी नहीं, आई थिंक आपका पैसे आ जाएंगे इसमें. मैंने मोबाइल चेक किया था, मोबाइल तो इसमें नहीं आया था. तो अगर आपको मतलब ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना है, जस्ट शो ऑफ, वैसे हैंकी रख सकते हो आप इसमें, बट ये बहुत प्रीटी है, बहुत ही क्यूट है, लुक एट दिस, क्यूट.
तो चलते हैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय।